सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका योगेंद्र उपाध्याय जी भारत 24 के इस प्लेटफॉर्म पर। इससे पहले भी हमारे साथ में इवेंट्स पे योगेंद्र उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं और एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे शिक्षा से जुड़ा हुआ ही रहेगा क्योंकि आप शिक्षा मंत्रालय से ताल्लुकात रखते हैं। ऐसे में आजकल किस तरीके से आगे की शिक्षा नीतियों पर काम किया जा रहा है क्योंकि नीट का मुद्दा लगातार गर्मा रहा है। ऐसे में लोगों के मन में जो क्रेडिबिलिटी है मंत्रालय को लेकर वो जरूर डेंट हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसके अंतर्गत सभी योजनाएं कार्यक्रम पाठ्यक्रम बन रहे हैं और इसके भी मूल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा करेंगे तो बहुत विशद विषय है ये, लेकिन न्यूक्लियस ऑफ द राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना और शिक्षा को तकनीक से जोड़ना, ये विषय है। इन तीन मूल बिंदुओं के परिधि में सरकमफ्रेंस में सभी पाठ्यक्रम और कार्यक्रम बनते हैं, वो बन रहे हैं। क्योंकि एक समय से जब लॉर्ड मैकाले की दी हुई शिक्षा पद्धति इस देश में लागू हुई और लॉर्ड मैकाले ने कौन सी शिक्षा पद्धति दी इस देश को, यानी जब वो शिक्षा पद्धति अपनी देके इंग्लैंड वापस गया है तो उसके पिता ने पूछा कि तुम क्या करके आए हो हिंदुस्तान में और अंग्रेज कौम के लिए क्या किया तुमने, तो बोले मैं ऐसी शिक्षा नीति दे के आ रहा हूं जिससे काले अंग्रेज पैदा होंगे। वो तन से तो हिंदुस्तानी होंगे लेकिन दिल दिमाग से अंग्रेज होंगे। वह शिक्षा नीति को हम ढोते चले आ रहे थे। कुछ लोग आजादी के बाद ये कहते थे कि शिक्षा नीति में परिवर्तन होना चाहिए और कुछ लोग कहते थे हम करेंगे, लेकिन ब्लूप्रिंट किसी के पास नहीं था कि क्या करेंगे या कैसा होना चाहिए। सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास एक ब्लूप्रिंट था कि शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि इस शिक्षा में जो मैकाले की दी हुई थी संस्कारों का अभाव था। आज नई शिक्षा नीति में वो सब है। अभी यहां बैठे हुए लोगों से महंत जी वगैरह सब जानते हैं, इनको मैं चुनौती नहीं देता, लेकिन बहुत कम लोग जानते हो कि गार्गी कौन थी, अपाला कौन थी, अरुंधति का क्या योगदान है इस धर्म और इस मानवता के लिए, दधीच क्या थे, ये सब क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि शिक्षा को संस्कार से काट दिया गया। हम अपने अतीत को, अपने गौरवशाली संस्कृति को, रीति को, नीति को भूल गए, तो यह शिक्षा नीति है हमारी। शिक्षा में धर्म को जोड़ना भी एक अलग विषय बताया जाता है और कई सारे लोग कहते हैं कि हमें धर्म के बारे में भी शिक्षा में पढ़ाना चाहिए। देखिए, धर्म और संस्कृति में अंतर है। संस्कृति का ज्ञान शिक्षा के माध्यम से मिलना चाहिए, संस्कारों का ज्ञान मिलना चाहिए। और जहां तक धर्म की बात है, धर्म तो हर सेक्टर में होना जरूरी है। धर्म के बिना सभी अधर्म है। अगर धर्म नहीं है हमारे जीवन में तो इसका माने अधर्म है जीवन के अंदर। तो धर्म हमको सही मार्ग पर चलना सिखाता है, इसलिए जरूरी भी है। और जहां तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा धर्म में पड़े नहीं लेकिन धर्म में खड़ी रहे, ये जरूरी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री आप हैं योगेंद्र जी। ऐसे में आज का युवा कल का भविष्य है, युवा प्रधान देश है हम। क्या कुछ वो नीतियां हैं जिनको लागू किया जाएगा जब हम 2047 की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, क्योंकि आज ही का युवा कल का भविष्य है। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसी के अनुरूप शिक्षा चल रही है, उसी के अनुरूप विकास हो रहा है। शिक्षा को संस्कार से जोड़ रहे हैं, शिक्षा को रोजगार से जोड़ रहे हैं और शिक्षा को तकनीक से जोड़ रहे हैं, यानी अतीत और भविष्य दोनों को जोड़ के ये शिक्षा नीति बन रही है, शिक्षा के कार्यक्रम बन रहे हैं। इसलिए आने वाले युवा को ऐसी शिक्षा मिल रही है जिसके हाथ में रोजगार भी होगा, तकनीक भी होगी और मन में संस्कार भी होंगे। अच्छा, ये जो नीट का मुद्दा सारा चल रहा है जिसमें लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य बिल्कुल साख पर है, ऐसे में
जो अभिभावक हैं वो भी प्रश्न उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट लगातार जारी है। हालांकि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा कहा गया है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अधिसूचना भी अब जारी कर दी गई है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप सरकार के द्वारा? देखिए, जहां तक पेपर लीक का मामला है, चाहे वो नीट का हो या कई और बोर्ड का हो, दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, कि कोई राजनीतिक दल यदि ये कहता है कि हम तुमको नकल का अधिकार देंगे, तुम हमको वोट दो, यानी उस तर्ज पर बोल रहा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आप हमको सत्ता दीजिए, हम तुम्हें नकल की आजादी देंगे, यह दुर्भाग्य था इस प्रदेश का। और उस व्यवस्था ने यहाँ की शिक्षा को चौपट किया। योगी जी के प्रथम कार्यकाल में उसको पटरी पर लाया गया और दूसरे कार्यकाल में उस नए मानदंड स्थापित किए हैं। मुझे कहने में कोई कोताही नहीं करूंगा, ना हिचक है, कि माननीय योगी जी के दूसरे कार्यकाल में एक ऐसे मानदंड स्थापित हुए हैं जो पूरे प्रदेश में एक उदाहरण बन गए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार से पहले कोई भी ग्रेडिंग होती है शिक्षा में, विश्वविद्यालयों के लिए, महाविद्यालयों के लिए, कोई भी विश्वविद्यालय नैक रैंकिंग में B+ की श्रेणी में भी शायद रहा हो, ऐसी जानकारी मेरे को नहीं है। लेकिन जब से हमारी सरकार आई, इस 2 साल के अंदर योगी जी ने और महामहिम हमारी राज्यपाल जी ने विशेष दिलचस्पी ली, तो आज उत्तर प्रदेश में 6 सरकारी विश्वविद्यालय A++ रैंकिंग में है, 4 सरकारी विश्वविद्यालय A+ रैंकिंग में है और 4 सरकारी विश्वविद्यालय ए रैंकिंग में है। ऐसे निजी विश्वविद्यालयों में A+ रैंकिंग के 4 हैं और ए रैंकिंग के 4 हैं। UGC रैंकिंग भी होती है, UGC रैंकिंग में पहली बार उत्तर प्रदेश के 2 विश्वविद्यालय लखनऊ और कानपुर Grade 1 को प्राप्त किए हैं। और अब वर्ल्ड रैंकिंग में हम लोग के आगे प्रतिस्पर्धा करें, यह हमारा प्रयास है। तो पहली बार उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय हिंदुस्तान में सर्वाधिक है जो रैंकिंग में आ चुके हैं। तो ये विकास किया है उत्तर प्रदेश में सरकार ने। अच्छा, जब हम सरकारी कॉलेजेस की बात करते हैं तो हर बच्चा, मुझे लगता है, या हर पेरेंट अपने बच्चे को चाहता है कि वो एक सरकारी कॉलेज में जाए, क्योंकि मान्यता काफी ज्यादा होती है। और लेकिन जब वही चीज स्कूल पे आती है तो कोई नहीं चाहता है कि हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल पे जाए, मतलब डाउनग्रेड टाइप में उसको रखा जाता है बैक ऑप्शन में। तो ऐसा क्या किया जाए जो आज के सरकारी स्कूल हैं उसको लेकर भी वही छवि बने जो कि सरकारी कॉलेज के लिए समय बनी हुई है? देखिए, धीरे धीरे छवि सुधर रही है। मैंने कहा कि किन लोगों ने छवि को बिगाड़ा और आज कैसे सुधर रही है। सरकारी विश्वविद्यालय आज भी, सरकारी शब्द जुड़ते ही लगता है कि ये चौपट मामला होगा, चाहे सरकारी अस्पताल हो, यूनिवर्सिटी हो, महाविद्यालय हो, विद्यालय हो, लेकिन आज A++ के 6 सरकारी विश्वविद्यालय हैं, A+ के 4 सरकारी विश्वविद्यालय हैं, ए के 4 हैं, निजी से ज्यादा हैं अब सरकारी विश्वविद्यालय। अब हम महाविद्यालय की ओर बढ़ रहे हैं कि अगले 2 साल में महाविद्यालय भी उस रैंकिंग में एक स्थान प्राप्त कर सके और उत्तर प्रदेश एक बड़ा हब बने एजुकेशन का। उदाहरण के लिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी जब से A++ और UGC ग्रेड ए में आई है, वहाँ 80 छात्र थे विदेशी, आज वहाँ पर 800 से ऊपर छात्र विदेशी हैं। यानी उत्तर प्रदेश आज शिक्षा का हब बनता जा रहा है। धीरे धीरे देश विदेश के छात्र यहाँ आके पढ़ेंगे और यहाँ के छात्र जो विदेश में जाते थे या अन्य प्रदेशों में जाते थे, उनको जाना रुकेगा, उसका पलायन रुकेगा, यहाँ एक हम हब बनाएंगे, ये हमारा अगला उद्देश्य है। अच्छा, एक और सवाल मेरा इसी कड़ी में रहेगा, रोजगार से जुड़ा हुआ, क्योंकि शिक्षा पा लेना आज के समय में रोजगार पा लेना नहीं है, ये डेफिनेशन खत्म हो गई। कई लोग, हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे, इंजीनियर चाय वाला है ना, और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, किस दिशा में युवाओं को ट्रेन किया जाए जो ये सब चीजें ना हो? क्योंकि अगर व्यक्ति चाहता है कि हाँ वो चाय की दुकान खोलना चाहता है बीटेक करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं चाहता है, उसके बावजूद मजबूरी में खोलनी पड़ रही है, तो वहां पे क्या लूप रह गया है? देखिए, चाय वाला तो उस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, यह भी एक सत्य है, लेकिन शिक्षा से सरकारी नौकरियां मिलेंगी,
कोई भी सरकार नहीं दे सकती। शिक्षा के माध्यम से सरकारी नौकरी, शिक्षा के माध्यम से रोजगार दे सकती है और रोजगार दिलाने वाले को पैदा कर सकती है, जो आज चल रहा है। अब मैंने आपको बताया, जैसे हम योगी जी की सरकार में 25 नए निजी विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है या एलओए या एलओपी मिल चुकी है। इस प्रदेश का दुर्भाग्य कहेंगे हम कि आजादी के 70 साल बाद भी 18 मंडलों में सिर्फ 12 मंडलों में सरकारी विश्वविद्यालय थे। माननीय योगी जी ने अहद लिया, संकल्प किया कि आने वाले समय में, ये जो उनका कार्यकाल था, इसमें हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय होगा और निजी विश्वविद्यालय को प्रोत्साहन दिया जाएगा। आज 2 साल के अंदर योगी जी की सरकार में 6 सरकारी विश्वविद्यालय जो मंडलों में नहीं बने थे, या तो निर्माणाधीन है या निर्मित हो चुके हैं और पढ़ाई चालू हो गई है। इसी तरीके से निजी विश्वविद्यालय, अब जो ये सब बन रहे हैं या इस प्रक्रिया में है, बन रहे हैं तो रोजगार मिलता है लोगों को, जब चालू हो जाते हैं तो वहाँ टीचर्स चाहिए, वो फोर्थ क्लास कर्मचारी चाहिए, क्लास 3 के कर्मचारी चाहिए, उसके आसपास जब वो हब बनता है तो लोगों को रोजगार मिलता है। तो रोजगार दिलाने वाले और रोजगार देने वाले, ये व्यवस्था। राम जन्मभूमि का मंदिर बना, क्या वहाँ रोजगार नहीं मिला? इतना बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर बना, लोगों को वहाँ पर इंजीनियर भी बने होंगे, सुपरवाइजर भी होंगे, मजदूर भी होंगे, कितना बड़ा रोजगार। आज राम जन्मभूमि मंदिर के कारण वहाँ पे 5 लाख दर्शनार्थी प्रतिदिन आ रहे हैं, तो वहाँ पे अंतिम छोर पर बैठा, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो कोई और छोटी सी मोटी काम करने वाला हो, उसको पहले कब शायद 5,000 दर्शनार्थी आते होंगे, आज 5 लाखों को वो दे रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है। तो पढ़ा लिखा आदमी भी स्वयं जा सकता है उस बिजनेस में, और बेपढ़ा लिखा भी जा सकता है, जिसको जो काम सूट कर रहा है वो कर रहा है। अच्छा, क्योंकि अभी इससे पहले हम नीट पेपर लीक मामले के ऊपर बात कर रहे थे, और पेपर लीक के ऊपर सरकार भी सख्त है, और योगी आदित्यनाथ का क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे, ऐसे में योगी जी के द्वारा तुरंत एक फैसला लिया गया, वो ये था कि जो सेंटर्स होंगे वो आपके बस स्टेशन और मेट्रो स्टेशन के पास में होंगे, और साथ साथ में जो टीचर्स की घोषणा होगी, जो इन्विजिलेटर्स आते हैं, वो एंड टाइम पे कुछ मिनट पहले होगी। तो क्या ये सब, ऐसे अन्य कदम भी उठाए गए, क्या ये सब जो कदम उठाए जा रहे हैं ये पेपर लीक और इन सब घटनाओं को रोकेंगे? देखिए, मैं जब यूनिवर्सिटी, जब मेरे को हाथ में आई सब व्यवस्था आई, उससे पहले भी पेपर लीक हुआ करते थे। पेपर लीक को राजनीतिक संरक्षण था, उनके योजना संगठित रूप से ये योजना बनती थी कि पेपर लीक करके कैसे व्यवसाय किया जाए। आज जब से योगी जी की सरकार आई है, मेरे समय में एक पेपर लीक हुआ और उसके बाद आज तक पेपर लीक नहीं हुआ, क्योंकि पूरे फिर मैंने उस व्यवस्था को देखा, उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ा। जब मैंने देखा कि क्या है सिस्टम, कि एक जगह पेपर गत्ते के कार्टून में पहुंचाए जाते हैं और वहां से रोज ताला खोला जाता है, सुबह 4 बजे एक कार में रखा जाता है, और नोडल सेंटर जिसे बोलते हैं, उस वहां से जितने भी सेंटर हैं 10-12 सेंटर वहां पहुंचाए जाते हैं। 4 बजे वो कार चलती है, 6:30 बजे तक लगभग 7-8 केंद्रों पर पहुंचाती है। इस व्यवस्था को ठीक किया, टेक्नोलॉजी से जोड़ा कि हर सेंटर पर आधे घंटे दूर, नोडल सेंटर से आधे घंटे दूर पर कोई सेंटर नहीं होगा, वहां से एक कार जाएगी फॉर वन सेंटर, उस पर जीपीएस सिस्टम लगा होगा, कहीं वो इधर उधर तो नहीं जा रहा, एक बात। दूसरी बात, जहां पर वो नोडल सेंटर है वो डिजिटल लॉकर लगाए गए वहां पर, कोई चाहे जब नहीं खोल सकता उसको, ठीक 4 बजे खोलना है, 5 बजे खोलना है, जो निश्चित समय होगा उस समय डिजिटल लॉकर वीसी के व्यवस्था से कहीं से खोला जाएगा, तब वहाँ पर पेपर उस पर शिफ्ट किए जाएंगे जो भी वाहन ले जाएगा, और वहाँ पर भी एक छात्र, शिक्षक, प्रिंसिपल, ये तीनों की उपस्थिति में पेपर खोलेंगे। तो आज हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में पेपर विश्वविद्यालय स्तर पर पेपर लीक की घटना खत्म हो चुकी है, यही व्यवस्था आगे भी होंगी, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो रहे हैं जो केंद्रीय स्तर पर होते हैं उनको भी इस टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा, तो ये पेपर लीक की घटनाएं रुकेंगी।
अच्छा, इस बीच क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि जिन्होंने पेपर लीक करवाया उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि लाखों बच्चे अपने घर से निकलते हैं पेपर देने के लिए, फिर उसके बाद वो पढ़ाई करते हैं पूरे पूरे साल, कभी कभी रिपीट में पेपर दे रहे होते हैं, और ऐसे में वो बच्चे जो कि एक दिन पहले किसी के कहने पे पेपर लीक हो जाता है उनको रटवा दिया जाता है, अगले दिन वही सवाल दे दिए जाते हैं, तो ये सुनिश्चित कैसे किया जाएगा कि कार्रवाई बिल्कुल उचित की जाएगी, क्योंकि कई सारे अब तो विपक्ष के नेता तक के नाम और संलिप्तता इसमें आने लगी है, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, मैंने कहा कि पिछले दिनों जब सत्ता में ये लोग थे ये सुनियोजित ढंग से संगठित गिरोह था जो कि ये सब दुर्व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ था, वो आज भी जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन योगी जी की सरकार में मोदी जी की सरकार में दोषी बख्शा नहीं जाएगा, किसी राजनीतिक संरक्षण से छूट नहीं सकता, ये तो निश्चित है। आम जनता भी विश्वास करती है इस बात से, और हम भी जानते हैं कि हमारे नेता बिल्कुल पाक साफ हैं और किसी भी दोषी को बख्शेंगे नहीं। दूसरा ये कि जो जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो भी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे जितने बड़े नाम हो, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, लेकिन बख्शे नहीं जाएंगे, और जब बख्शे नहीं जाएंगे तो आगे आने वाले समय लोग हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि ऐसे अपराध कर सके। चलिए, इसी के साथ में आपने सुनिश्चित किया कि कार्रवाई की जाएगी, साथ साथ में बताया क्या कुछ मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और किस तरीके से आगे युवाओं का जो भविष्य है उसको सुरक्षित रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और ये थे योगेंद्र उपाध्याय जी, उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, जिन्होंने अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियों।